मेरे प्यारे दोस्तों, आज का कॉमेडी तड़का में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कॉमेडी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप बहुत बार सोचते होंगे कि लड़कियों को क्या पसंद है, वो कौन कौन सी लाइंस होती हैं, डायलॉग्स होते हैं जो कि लड़कियां सुनना चाहती हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे डायलॉग्स या लाइंस बताने वाला हूं ना, जो कि हर लड़की को पसंद है। उनको इतना रोमांटिक लगता है ना कि मैं क्या बताऊं। अगर आप ये लाइन किसी भी लड़की को कहोगे ना तो बिल्कुल प्यार में पागल हो जाएगी। पहली यहां पर लाइन है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। भाई लड़कियां ये जरूर सुनना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि जो सामने वाला उनका लड़का है, दोस्त है, चाहे पार्टनर है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे कोई भी है, वो उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। देखो होता कुछ नहीं है, तुम अगर किसी को कहते हो कि मैं तेरे साथ रहूंगा, चाहे आप फॉर्मेलिटी ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को एक मोटिवेशन मिलती है कि चलो कोई तो है मेरे साथ। क्योंकि यहाँ पर दुनिया ना दूसरों का बुरा ही चाहती है, तो सबको इसको हार्म ही पहुंचा रहा होगा। ऐसे में आप उसके पास जाओगे और बोलोगे कि मैं तेरे साथ हूं, तो उसको बहुत खुशी होगी। नो डाउट लड़कियां बहुत दिमाग वाली होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप उसको थोड़ा मोटिवेशन दे दो ना, तो चांद में तारे लग जाते हैं। चांद में तारे कौन से लगते हैं भाई, चार चांद लगते हैं यार। हर लड़की को लगता है कि उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहे, जो उसको मोटिवेशन देता रहे कि मैं तेरे साथ हूं, तो जो कर रही है सही कर रही है, करते रहे। क्योंकि यहां पर सब डिमोटिवेट करते हैं, दोस्त हो चाहे कोई भी हो, और दोस्त लोग तो सबसे ज्यादा करते हैं कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर। ऐसे में लड़की चाहती है कि कोई तो उनके साथ खड़ा रहे। तो जब आप बोलते हो कि मैं तेरे साथ हमेशा हूं, हमेशा था, हमेशा रहूंगा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, तो लड़की को बहुत खुशी होती है। सेकेंड पॉइंट है, आई रियली नीड योर ओपिनियन ऑन दिस। देखो यहाँ पर जब तुम लड़कियों से सलाह मांगते हो ना, तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि लड़कियों में दिमाग तो होता नहीं, दिमाग नाम की चीज होती नहीं। नहीं, तुम गलत हो। देखो सबका ना एक रेंज होता है, तुम किसी चीज में अच्छे होगे दिमाग लगाने में, सामने वाला व्यक्ति किसी चीज में अच्छा होगा, तो उसकी हेल्प आप लो, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, उससे उसका ओपिनियन लो। इससे लड़की को ना अटेंशन मिलती है, लड़की को लगता है कि हाँ ये मेरे बारे में कद्र करता है, इसको लगता है कि मैं समझदार हूँ। ब्यूटी है, ब्यूटी बाद में आ जाएगी, लेकिन पहले दिमाग की बात करो, दिमाग की समझदारी की बात करो। और मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें सलाह की जरूरत नहीं है तो भी पूछ लो। तुम्हें लगता है कि स्मार्टफोन के बारे में उसको क्या पता होगा, लेकिन पूछ लो ना, पूछने में क्या जाता है, उसको थोड़ी खुशी मिल जाएगी। और अगर वो खुश होगी तो तुम तो हो गए ही हो गए, तो बेटा पूछ लिया करो। थर्ड पॉइंट है, आई एम इन लव विद यू या आई एम इन लव विद योर दिस थिंग। कोई भी चीज जो आपको उसकी पसंद हो आप बोल सकते हो। देखो मेरे भाई, लड़कियां ना फूल की तरह होती है, नाजुक सी, कोमल सी, महकते रहने वाली। तो अगर आप एक दिन पानी दोगे, चार दिन नहीं दोगे, तो मुरझा जाएंगी। ऐसे में आपको पानी देते रहना पड़ेगा, ताकि थोड़े रिफ्रेश रहे, थोड़े महकते रहे, थोड़े अच्छे दिखें। यकीन करो, एक दिन तारीफ करना, अगली बार वो आपको ज्यादा टेंशन देगी, क्योंकि उसको तारीफ चाहिए। अगर वो कोई नई चीज कर रही है या करके आई है, नई ड्रेस पहन के आई है, नया हेयर स्टाइल है, नया कुछ भी है, तो उसको उसके बारे में बताओ कि ये चीज अच्छी लग रही है। देखो लड़की नोटिस्ड होना चाहती है, ऑब्वियस है, तो लड़के को यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। फोर्थ पॉइंट है, यू लुक ब्यूटीफुल इवन विदाउट मेकअप। देखो लड़कियां मेकअप करती हैं अच्छा दिखने के लिए, उनको लगता है कि अगर मैं मेकअप करूंगी तो ज्यादा अच्छा लगूंगी। अगर यहाँ पर तुम कहते हो कि तुम मेकअप के बिना भी बहुत अच्छी लगती हो, तो लड़कियों को बहुत पसंद आएगा। लड़कियां चाहती हैं कि उनके नेचुरल ब्यूटी की तारीफ करो तुम। यहाँ पर क्या करते हो कि मेकअप पे घुस जाते हो कि मेकअप क्यों लगाया है, मेकअप पे अच्छी लगती हो, मेकअप ये मेकअप, अरे मेकअप को हटाओ, हटा मत देना, डर जाओगे। लेकिन तुम्हें यहाँ पर तारीफ करनी होती है, बेशक उसकी आंखें धसी धसी हो, काली पड़ गई उसके नीचे, लेकिन आपको तारीफ करनी है, क्योंकि लड़कियों के पसंद है भाई, तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी, अब पटाना है तो करना ही पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है, आई जस्ट लव द वे यू आर। देखो लड़कियां चाहती हैं कि वो जैसी भी हो, अच्छी हो, खराब हो, अच्छी दिखती हो, खराब दिखती हो, जैसी भी दिखती हो, सामने वाला व्यक्ति उसी में ही एक्सेप्ट करे, उसके बारे में कमियां ना निकाले कि तुम ऐसी होती तो अच्छा लगता, तुम ऐसी क्यों नहीं हो, वैसी क्यों नहीं हो। देखो कमियां हर कोई निकालता है, जो भी है उसकी तारीफ तो करो। तुम जैसी भी हो अच्छी हो, तुम जैसी भी हो मेरी हो, ये सब लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं उनको। उसकी आंखें जैसी भी हो, नचीली नहीं भी हुई तो क्या हुआ, अच्छी तो लग रही है ना। उसके होंठ गुलाबी नहीं भी है तो क्या हुआ, अच्छे तो लग रहे हैं ना। उसकी जुल्फे कोमल नहीं भी है तो क्या हुआ यार, अच्छे तो लग रहे हैं ना। वो जैसी भी है, जैसा दिखती है, जैसा बोलती है, जैसा पहनती है, सब अच्छा लग रहा है। ये उसको बोलना है तभी उसको अच्छा लगेगा। आपने इनमें से कोई भी लाइन लड़की को कही है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ भाई। अगर नहीं कही तो इन 5 लाइन में से सबसे पहली लाइन कौन सी कहोगे ये भी जरूर बताना। अगर आपको वीडियो हल्की सी भी तुसी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना
प्लीज मत भूलना। खुशी होती है यार, मतलब अंदर से खुशी आती है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बगल में घंटा आता है, उस घंटे को दबाना मत भूलना भाई। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, उससे आपको वीडियो सबसे पहले मिलेंगी।